अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारे लोग मुझसे ये सवाल करते हैं कि ये आपने जो कपड़े का मास्क पहना हुआ है या आपने जो सर्जिकल मास्क पहना हुआ है, ये तो बिल्कुल फायदेमंद नहीं है। ये तो आपके मास्क के थ्रू जो है आपका कोरोना वायरस घुस जाएगा और आपको कोरोना वायरस हो सकता है। ये ज्यादातर लोग वो सवाल कर रहे होते हैं जिन्होंने कोई मास्क ही नहीं पहना होता। वो कह रहे होते हैं कि नहीं, ये N95 मास्क लें और इसी से ही फायदा होगा, और कोई मास्क से फायदा नहीं हो सकता। मैं इन सब के लिए यही जवाब एक देता हूँ कि ये मास्क चाहे N95 हो, चाहे N105 हो, चाहे N905 हो, लेकिन ये इनमें से कोई मास्क आपको कोई गारंटीड 100% प्रोटेक्शन नहीं देता। ये जो है वायरस जो है, ये इतने स्मॉल जरासीम से भी छोटे खुलिए हैं और ये कहीं से भी पास हो सकते हैं, और थोड़े भी पास होके एक सब्सटेंशियल नंबर अगर पास होके चला जाए तो वो आपको डिजीज कॉज कर सकते हैं। तो सबसे बेहतरीन चीज क्या है? सबसे बेहतरीन चीज एक ही है, वो है प्रिवेंशन। आपने उन जगहों पे जाना ही नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है। अगर आप जो है ऐसी क्राउडेड एरियाज में जाएंगे और वहां एक्सपेक्ट करें, हाँ मैंने N95 पहना हुआ है तो मैं जो हूँ ना मॉल में जा सकता हूँ, और मैं जो हूँ ना किसी सुपरमार्केट, रश क्राउडेड सुपरमार्केट में जा सकता हूँ और कोई मसला नहीं होगा, नहीं, आप बिल्कुल इस चीज में खुश ना हो। सोशल डिस्टेंसिंग कायम करें, लोगों से दूर रहें, अगर कोई करीब है तो आप एक डिस्टेंस उसको याद रखें कि ये डिस्टेंस मेंटेन रखना है एट ऑल टाइम्स, ठीक है? आपने मास्क पहना हो, आपने ना पहना हो, जाहिरी बात है क्राउडेड एरियाज में जाएंगे वहां ज्यादा प्रोटेक्शन रहेगी, लेकिन मजबूरन ही जाइए, खुद नहीं जाइए ऐसी जगहों पे। ओनली थिंग दैट इज गोइंग टू प्रोटेक्ट यू इज द प्रिवेंशन मेजर्स। नो मास्क इज गोइंग टू गारंटी एनी सॉर्ट ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम कोरोना वायरस। थैंक यू।